200 की स्पीड से जाएंगे 500 किलोमीटर तो ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एरोप्लेन आप यहाँ पे भी लैंड कर सको, ऐसे कुछ हुआ था शायद से। दो घंटे दो मिनट में मैं लखनऊ से आगरा पहुंच गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं जब खाली स्ट्रेच दिखे ना तभी भगवान आकर भगाने का कीड़ा है आप लोगों के अंदर के वो स्पॉट है ना, प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था। अरे बंदर ये देखो, हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अपन है लखनऊ में और यहाँ से आज निकलेंगे दिल्ली के लिए। 7 घंटे दिखा रहा है, क्या लगता है कब तक पहुँचेंगे? अभी एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। तो ऋषि भाई जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। ओके पप्पन भाई, ये लखनऊ के बहुत फेमस भाई हमारे, सूरज भाई बच्चे इनके। चलो प्रशांत जी भाई, टैटू है क्या मेरी जान? तो अब निकलते हैं यहाँ से गाइस। और इस बार मैंने ना बैग में ताला डाल दिया क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम लखनऊ आ रहा था तो ये खुल गया था, सारा सामान उड़ गया था, इसलिए मैंने ताला डाला आज। गाड़ी के शॉकर खराब हो जाए तो ये है। देख लो गाइस, अगर गाड़ी के शॉकर आपके खराब हो जाए ना तो कॉन्टेक्ट प्रशांत मिश्रा। और बैग बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा है इस टाइम। लैपटॉप का बैग मैंने पीछे टांग रखा है, बाकी सामान हमारा ऋषि भाई भिजवा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस का सीन है, इसलिए मैं आराम आराम से जाऊँगा, वरना यहाँ पे लाउड एग्जॉस्ट और बिना नंबर प्लेट का भाई फुल तगड़ा चलाना है। तो जल्दी से एक्सप्रेस वे चढ़ जाए, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो गाइस अपन एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्या लगता है कब तक पहुँचेंगे? भाई साहब अगर इस स्पीड से गया तो मुश्किल से मुश्किल कितने घंटे? 2-3 घंटे? दो तो नहीं, 200 की स्पीड से जाएंगे 500 किलोमीटर तो ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। बट यार आराम आराम से जाएंगे। वैसे ही इसने पता नहीं कितने हजारों रुपए का पेट्रोल पी लिया इस ट्रिप पर, तो एवरेज निकालते हैं क्या ही एवरेज देगी, फिर भी 8-10 और भगाऊंगा तो 5-6। और बाकी देखो मूड के ऊपर है, ऐसा खाली रोड देख के भाई अगर मूड ललचाया नहीं तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा कि बस भगाते जाओ यार। इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करी थी एक, हुई नहीं हुई। हो गई इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड हो गई गाइस। ये देख रहे हो गाइस, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये बनाया था इन्होंने, सीमेंट का पैच है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एरोप्लेन आप यहाँ पे भी लैंड कर सको, ऐसे ही कुछ हुआ था शायद सीन। और यहाँ पे एरोप्लेन लैंड भी हुआ है, इसकी टेस्टिंग चल रही थी। तो ये बीच में एक थोड़ा सा पैच है, तो पूरा सीमेंट का है। पीछे कम से कम नहीं तो 12 से 15 किलो का बैग मेरे कंधे पे है, काफी सारा सामान है इसके अंदर और फुल दर्द हो रहा है, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। 10:37 पर एक्सप्रेस वे पर चढ़ा था, जहाँ 10:37 पर पहला टोल कटा था मेरा। अब देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचते हैं। तो गाइस अपनी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था,
तो पेट्रोल डलवा लिया बाप बाप तेरी मेरी आंख में कुछ चला गया। ओ बहन आंख में बड़ी तेज कुछ लगाया है। तो मैं कह रहा था पेट्रोल खत्म हो गया था तो उतरे थे एक्सप्रेस से वापस चढ़ेंगे 20 रुपए की पर्ची कटवा के। वहाँ भी डलवाना पड़ेगा। यहाँ से लखनऊ कितना है? तो भाई एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए। अब अपनी राइड फिर से स्टार्ट करते हैं। इसकी बहन के कितना बुरा हाल हो रखा है भाई। बड़ी तेज आंख में वो लगा था भाई कसम से चीखे से निकल गई मेरी। तो मैंने बीप बीप कर दिया आपने सुना होगा। पुश करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पीछे इतना बड़ा बैग है। जैसे अगर मैं बेंड भी हो रहा हूँ ना तो इतना निकला हूँ पीछे। जैसे अगर मेरे पास बैग नहीं होता तो 299 बहुत इजीली लग जाती। बट अभी क्या हो रहा है विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा लग रहा है और बैग से मैं बाइक भगा रहा हूँ ना तो विंड ब्लास्ट से इधर उधर जा रहा हूँ क्योंकि पीछे बहुत बड़ा बैग टांगा हुआ है मेरे। उसके बावजूद 299 ऑलमोस्ट हो ही गई। इसे बोलते हैं स्किल्स। ये पीछे 12-15 किलो का बैग डाल रखा है मैंने, समझ रहे हो गाइस। लगा के रहूंगा और मुझे याद भी नहीं आखिरी बार मैंने 299 कब लगाई थी। वाह कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रहा 299 लगा कर क्योंकि पिछली मैंने अभी कैमरा बंद था तो 3-4 बार लगा दी थी 299। अब आप लोगों को देखना था 299 मीटर में अच्छा लगता है ना तो आप लोगों के लिए हो गया। अब मैं और जहाँ स्टेज मिलेगा 299 या 300-500 जितना हो सकता है उसको लेके जाऊंगा। बस मीटर में 299 दिखाता है बट बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, जैसे स्टेज मिलता फुल लगा लूँ। तो गाइस अपन लोग आगरा पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:39 यानी एग्जैक्ट 2 घंटे 2 मिनट में, मतलब आगरा तो पहले से स्टार्ट हो गया था, 2 घंटे 2 मिनट में मैं लखनऊ से आगरा पहुंच गया। अब दिल्ली यहां से सिर्फ 200 किलोमीटर है गाइस। 10:37 पे पहला टोल कटा था और अब हो रहे 12:39।
अब दिल्ली अब दूर नहीं गाइस, 200 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस एक सीन हो गया है, मुझे आगरा में फ्यूल अप कराना था, बट मैं आगरा क्रॉस कर चुका हूँ। अब 50 किलोमीटर बाद है पेट्रोल पंप और बाइक मेरी रिजर्व में लग चुकी है। ये देखो ये आइकन ब्लिंक हो रहा है, तो इसलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ। अब पता नहीं वहाँ तक पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, या मुझे धक्का लगाना पड़ेगा या क्या होने वाला है, आई डोंट नो। अब मैं चला रहा हूँ भाई आराम आराम से 70-80-90 की स्पीड में, ताकि बाइक एवरेज दे। नेक्स्ट पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर बाद है। क्या लगता है गाइस 50 किलोमीटर तक पहुँच पाएगी, जो हम इतना तीतर तीतर आ रहे थे वो बरकरार रहेगा या सारा यहीं ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल की वजह से, देखते हैं। तो भाई 90-90 पे चलेंगे आराम आराम से जब तक पेट्रोल पंप नहीं आता। तो गाइस फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया वृंदावन से 2 किलोमीटर आगे। 1500 का पेट्रोल भाई साहब, हर 50-100 किलोमीटर बाद पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। अब चलते हैं भाई अपनी राइड। कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से, सोच रहा था जल्दी जल्दी चलते हैं, बट अब आगे जाके कुछ खाएंगे। जब खाली स्ट्रेच दिखे ना तभी भगवान आकर भगाने का कीड़ा है आप लोगों के अंदर, समझ रहे हो। जहाँ पे रोड ऐसे ऊपर जाए और विजन खत्म हो जाए भाई, ब्रेक मार लो, गाड़ी हो भाई को जो मर्जी हो, मैं यही करता हूँ। जैसे आप ड्रैग कर रहे हो, रेस लगा रहे हो, अगर जीत भी गए तो अवार्ड नहीं मिलने का, पैसे नहीं मिलने का, कुछ भी जीरो मिलेगा, जीरो ठेगा। और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे एल और लग जाएंगे, समझ रहे हो। गाइस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं जेवर। ये वो स्पॉट है जहां प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था। अभी मैं पीछे पेट्रोल भी डलवा रहा था तो वहां पे भी पूछ रहे थे कि इस रोड पे ऐसे ऐसे यूट्यूबर था, राइडर था, देहरादून में उसका एक्सीडेंट हुआ था, 300 भगा रहा था, 300 भगाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको मैंने वही क्लियर किया, मैंने कहा भाई पहली चीज़ तो वो 300 भगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, 300 में अगर एक्सीडेंट होता तो कुछ और ही हाल होता बाइक का। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा उसके बारे में कि भाई वो जहाँ पे भी हो खुश हो, काफ़ी मासूम था, बहुत यंग एज में ऊपर चला गया। अक्सर याद आती है उसकी, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे मिस नहीं करते, सभी मिस करते हैं उसको, कोई जिक्र करता है कोई जिक्र नहीं करता। तो आप लोगों से बस मैं इतना बोलूँ कि भाई उसके लिए दुआ करो, प्रे करो, वो जहाँ भी हो वो खुश रहे,
और आप लोग भी सेफ रहो और अपने जो खास हैं आप लोगों के उनके लिए भी दुआ करो। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम जेवर पे, लखनऊ के बाद पहला स्टॉप मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी जितने भी स्टॉप लिए थे वो सिर्फ पेट्रोल फिलअप कराने के लिए। अब दिल्ली अब दूर नहीं, सिर्फ 70 किलोमीटर। अरे बंदर ये देखो, एंटर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा। ये देखो अभी आएगा नोएडा, उसके बाद दिल्ली। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इतने दिनों बाद, भाई लगभग 3 हफ्ते हो गए और राइड हुई है कम से कम नहीं तो 4000 किलोमीटर की राइड। अब यहाँ कोई टेंशन नहीं है पुलिस वुलिस की, जैसे नेपाल में हर जगह पुलिस वाले रोके जा रहे थे, लखनऊ में जा रहे तो थ्रोटल बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। क्या पूरा ठस्सा अपना गाइस, ओए ओए कितना अच्छा लग रहा है ये रोड देखकर। मतलब मैं खुशी बयान नहीं कर पा रहा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना खुश हूँ मैं। इतने दिनों बाद घर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतनी लंबी राइड के लिए गया, इतनी दूर, इतने टाइम तक घर से दूर रहा। बट ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, नए नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाए, नई जगह एक्सप्लोर करी, थाने भी गए पहली बार एनआरथ को लेकर। आप लोगों को पता है कभी इस बाइक का चलान नहीं कटा आज तक, और नेपाल में तो ये सीधे थाने चली गई। रोड देखो, ओए होए, जल्दी से बस ऐसा हो रहा घर पहुंच जाऊं। मज़ा बहुत आया बट इस राइड पे यार, इतनी जगह हम लोगों ने मीटअप करा, ऑडियंस देखी भाई कितना प्यार मिला लोगों का, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए दिल्ली। अभी हम हैं नोएडा में और वो बस टोल क्रॉस करते ही अपन पहुंच जाएंगे दिल्ली। काउंट डाउन करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहुंच गए दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली पहुंच गए गाइस, अपने घर आ गए। ओ भाई जरा टाइम चेक किया जाए, 2:53 हो रहे हैं। तो 10:37 पे पहला टोल कटा था हमारा, हम लखनऊ में थे और 2:53 पे हम पहुंच गए, तो लगभग 11, 12, 1, 2 4.5 घंटे में गाइस, ऑलमोस्ट मान लेते हैं पूरा 4.5 घंटे में हम लोग लखनऊ टू दिल्ली, जिसमें कि काफ़ी बार, कम से कम 5 बार मैंने पेट्रोल भरवाया है और 15-20 मिनट मैंने बाइक 80 की स्पीड में चलाई है, एक ब्रेक भी लिया है और फलाना ठिकाना एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यार खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, भाई मज़ा ही आ गया। ये देखो DND, ऐसा लग रहा है 1 करोड़ साल बाद देख रहा हूँ। पानी काफी ऊपर आ चुका है, रोड भी खराब हो गया, मतलब हम दिल्ली छोड़ के चले गए तो रोड खराब हो गया, क्या कर रही है सरकार भाई। एक स्टोरी भी डाल देते हैं, स्टोरी से याद आया, जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते फॉलो कर लो भाई। ए बन रही है हमारी स्टोरी, स्टोरी बन गई। तो भाई मुझे सब लोग कमेंट्स ज़रूर करना कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा। तो भाई साहब
लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। काफी थक चुका हूँ, यहाँ और यहाँ दर्द हो रहा है, शोल्डर में तो भयंकर दर्द हो रहा है। और कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि भाई 300 समथिंग तो उसने भगा रखी है, 300 फलाना तो उसने भगा रखी है। तो मेरे भाइयों, ये बाइक 299 ही दिखाती है, मीटर पेस के 299 ही दिखता है, उससे ऊपर जा रही हो या ना जा रही हो, समझ रहे। बाकी बहुत टाइम बाद आज मैंने 300 लगाई बाइक। बाकी भाई ये जो पूरी सीरीज थी नेपाल की, कैसी लगी आप लोगों को, और भी वीडियोस जाके देखना भाई, और सपोर्ट बनाओ भाई। बहुत पैसा खर्चा हुआ है, पेट्रोल ही कम से कम कई हजारों का पेट्रोल लग गया इस पे भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, नए लोगों से मिले, नया कल्चर देखा, नई लैंग्वेज, नई करेंसी, इंटरनेशनल ट्रिप भाई विदाउट पासपोर्ट, और वो भी बाइक से इंटरनेशनल ट्रिप, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया था यार ये पूरा एक्सपीरियंस। इतनी जगह हम लोगों ने मीटअप करा, मजा आ गया, इतनी ऑडियंस है हमारी, हमें नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो भी इस पूरे रास्ते में हम लोगों को मिले, मुलाकात हुई, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब करा, जो सपोर्ट करते आ रहे हैं और जो सपोर्ट करेंगे, सबको दिल से थैंक यू। अब देखते हैं भाई कहाँ मीटअप करेंगे, बाकी कुछ टाइम के लिए यार रेस्ट करूँगा, बहुत बाइक चला ली, बाइक की वॉशिंग कराएंगे, सर्विस कराएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून गाइस, लव यू।